Assalamualaikum friends, welcome to my YouTube channel Umair Naeem. लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को CSP के पेपर के हवाले से मुकम्मल अपडेट दी थी जो कि मेरे पास आया था और मैंने आप लोगों तक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की. और आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ये जो सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली MCQs आती हैं GCU लाहौर में, और उसके मतलब मैं आप लोगों को अपडेट देने लगा हूँ कि आप लोग उसमें कैसे आप लोग MCQs को सोल्व करेंगे. स्टूडेंट्स के हवाले से तकरीबन 9 से 10 मैंने MCQs आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ. और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन कमेंट को दबा दें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक आसानी पहुंच सकें. चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं. वीडियो को स्टार्ट करने में आप लोगों को मैं ये दिखा दूँ कि आप लोगों ने कुछ इस तरह का आप लोगों को मैंने इंटरफेस बनाया जिसमें आप लोग PU GCU UAF लैट टेस्ट में जो MCQs ज़्यादातर आती हैं वो मैंने आप लोगों तक शेयर की हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट स्टेप अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो द सन ब्रोक थ्रू द क्लाउड्स क्रिएटिंग अ ब्यूटीफुल क्लियरिंग इन द स्काई. तो सिर्फ बताना है हमने क्लियरिंग का होता है ओपनिंग साफ, ठीक है. तो ओपनिंग यहाँ ज़्यादा करीब है, डार्कनिंग तो नहीं होगा. फिर उसके बाद जर्नी भी नहीं होता, शाइनिंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ जो क्लियर आता है वो ओपनिंग के जमरे में आता है. तो ऑप्शन ए करेक्ट है. नेक्स्ट है, इन द डिस्टेंट फ्यूचर ह्यूमंस फाउंड देमसेल्व्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू मार्शियन. ट्रांसफॉर्म मतलब क्या होता है, चेंज हो जाना. उन्होंने क्या कहा था जो लास्ट टाइम अगर आप लोगों को पेपर आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ा होगा तो उन्होंने ये कहा था कि हमारी शक्लें उनकी तब्दील हो गई थी, ब्लैक हो गए थे, ठीक है. फिर उनके कद छोटे हो गए थे. तो ये वहाँ से फिक्र आपके सब्जेक्ट में से फिक्र है, लेकिन उन्होंने जस्ट उनकी सिनोनिम्स पूछा तो उसका क्या होगा, चेंज होगा. नेक्स्ट शी सेड थैंक यू मैम, ठीक है. वो थैंक यू मैडम वाला जो सबक था ये वहाँ से मैंने लिया है, फॉर योर काइंडनेस एंड हेल्प. तो मैम जो होगा, थैंक यू मैम, यानी जो है इसका मैम का मतलब क्या होगा, टीचर, ठीक है. उस लेडी को कह रहा था, लेकिन लेडी यहाँ किसके जमरे में आ रही है, टीचर के जमरे में, ठीक है. नेक्स्ट जो ऑप्शन है, द ओल्ड मैन पिक्ड अप द टिनी पीस ऑफ स्ट्रिंग यानी एक छोटा सा टुकड़ा लेना, बाइट करना जिसे हम बाइट कहते हैं, ठीक है, फ्रॉम द ग्राउंड. तो उसने क्या किया, टिनी पीस ऑफ बिट स्ट्रिंग यानी एक पीस ऑफ स्ट्रिंग उसने क्या किया, छोटा सा तिनका उठाया है, तो इधर बिट होगा. ऑप्शन क्या है, ए करेक्ट है. उसने जो ओल्ड मैन ने एक तिनका उठाया था. नेक्स्ट, द पोएट सादी इज अ फेमस फॉर हिज कलेक्शन ऑफ वर्सेस द गुलिस्ताने सादी. द गुलिस्ताने सादी में क्या चीज़ थी, वो क्या था, गार्डन के हवाले से अपडेट दी थी. नेक्स्ट, द डॉक्टर लॉफ एट द फुलिश डक एज इट क्वैक लाउडली. सिली, फुलिश क्या होता है, सिली. ऑप्शन ए क्या है, करेक्ट है. नेक्स्ट जो है, द विलेज सुफर्ड फ्रॉम द अमिल्ड अटैक ऑफ लोकस्ट्स दैट डिस्ट्रॉयड सम क्रॉप्स. तो मिलिट क्या था, हार्मलेस, ठीक है, मतलब हार्म कम, यानी मिल्ड मतलब होता है बिल्कुल हल्का सा, छोटा सा, तो हार्मलेस होगा यानी कम, जहाँ जिस पर इफेक्ट थोड़ा पड़ना. अगर यहाँ ज़्यादा वाला होता तो सेवर मैसिव वजन था, ठीक है. अगर रेयर भी इसका उस टाइम आता कि बिल्कुल थोड़ा सा, ठीक है, मिल्ड मनी हार्मलेस. ऑप्शन लास्ट क्या था, ऑप्शन बी करेक्ट था. अब इसे क्या, मार्शियन लेदर किंग जे आर जूनियर डिलीवर्ड हिज फेमस स्पीच आई हैव अ ड्रीम ड्यूरिंग द सिविल राइट्स मूवमेंट्स. तो आ ड्रीम का क्या मतलब है, आई ड्रीम ऑफ, यानी उसे कोई ना कोई उसके ख्वाब है, कोई ना कोई उसका सपना है, ठीक है, जिसे उसने पूरा करना है. द टीचर गेव एन इंस्पायरिंग स्पीच डैट मोटिवेटेड द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड. टीचर ने क्या किया, इंस्पायरिंग यानी इंकरेजिंग स्पीच, एक ऐसी स्पीच दी जो कि स्टूडेंट्स को क्या करती है, इंकरेज करती है. ऑप्शन डी क्या है, करेक्ट है. तो ये MCQs थी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होंगे. अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा. नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद.